नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का साहित्य ज्योति में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 के मैथ्स सब्जेक्ट के सिलेबस को देखेंगे, फर्स्ट सेमेस्टिव से लेकर थर्ड सेमेस्टिव तक। ठीक है, तीनों सेमेस्टिव के जो सिलेबस हैं उसको हम देखेंगे कि पहले सेमेस्टिव, दूसरे सेमेस्टिव और तीसरे सेमेस्टिव में मैथ्स से कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आ रहा है फर्स्ट सेमेस्टिव। ठीक है, अब देख सकते हो ये आपका मैथ्स हमारा जो किताब है, हमारा गणित वो है इसमें फर्स्ट समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आएगा पार्ट एक, पिछले अध्ययन की पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन लेसन्स जो आपने पिछले क्लासों में यानी क्लास 4 में पढ़ा है वो। इसके बाद सेकेंड चैप्टर आने वाला है सरलता से गाँव की जनसंख्या की गणना करें, ये वाला। फिर जो आपका पार्ट तीन है, कार्ड की सहायता से सहज ही हिसाब करें, ये वाला। और उसके बाद पार्ट चार, सर्वाधिक कितने लोगों में समान रूप से बंटवारा कर सकते हैं, ये चैप्टर। यानी कि चैप्टर 1, 2, 3, 4, इसके बाद चैप्टर 5 मुंह मीठा करें, और चैप्टर 6 सहज ही बड़ी संख्या का हिसाब करें। तो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक आपका फर्स्ट समेटिव का जो एग्ज़ाम होगा वो उसमें आ सकता है, सिलेबस यही है। इसमें सर या मैडम कुछ कम या अधिक भी कर सकते हैं, वो आपको क्लास में बता दिया जाएगा, परंतु अधिकांशतः यही चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, आइए अब हम सेकेंड समेटिव को देखते हैं। सेकेंड समेटिव जो है उसके अंदर आपका चैप्टर 7 से स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 7, जो कि एक संपूर्ण वस्तु का समान रूप से बंटवारा करें, कि एक वस्तु है उसको आप कैसे समान रूप से बंटवारा करेंगे। इसके बाद चैप्टर 8, पौधे में कितना पानी है। इसके बाद चैप्टर 9, आज स्कूल की खिड़कियों में हरा रंग डालें। चैप्टर 10, दिया सलाई की तीली से खेल खेलें। चैप्टर 11, क्रमश हिसाब करें। चैप्टर 12, इच्छा अनुसार विभिन्न अंशों में रंग भरें। चैप्टर 13, काका के साथ हिसाब करें। और चैप्टर 14, ठीक है, ऐसा कुछ चित्र बनाएं जो कम जगह ले। इसके बाद 15 नहीं करना है, सीधा चैप्टर 21 करना है, पार्ट 21 अंकों का आनंद। इसमें यानी कि बेसिकली आपका पार्ट 7 से लेकर 21 तक आने वाला है, मतलब पहले तो 14 तक आएगा और फिर लास्ट में 21 आएगा। ठीक है, ये आपका सेकेंड सेमेस्टिव में है। इसमें भी सर जो हैं या मैडम जो होंगी आपके स्कूल की, वो कुछ चैप्टर्स कम भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई दूसरे चैप्टर्स डाल सकते हैं, परंतु इसमें से ही ज़्यादा आने वाला है एग्ज़ाम में। इसके बाद हम लोग थर्ड सेमेस्टिव देखते हैं। थर्ड सेमेस्टिव में आप देख सकते हो जो हमारा सेकेंड सेमेस्टिव में छूट गया था चैप्टर 15, वहाँ से शुरू हो रहा है कि समयानुसार घड़ी की सुई की स्थिति देखें। फिर चैप्टर 16, चित्र देखकर विषय वस्तु पर विचार करें। चैप्टर 17, वस्तु देखें पाठ। इसके बाद पाठ 19 आ जा रहा है कि तीन तिल्लियों से खेलें। ठीक है, यहाँ पे पाठ 19, तीन तिल्लियों से हिसाब करें। इसके बाद ये पहले पाठ 18 आएगा। ठीक है, ये रहने दीजिए, ये रहने दीजिए आप। पाठ पहले पाठ 17 के बाद पाठ 18 देख लीजिए, एक एक शब्दों का अर्थ ढूंढें। इसके बाद पाठ 19, तीन तिल्लियों से खेलें। फिर पाठ 20, वृत्ताकार रास्ते में कुछ खोजें। ये रिवीजन लेसन्स में आ सकते हैं, पार्ट 4 और 5, 8। ठीक है, कि सर्वाधिक कितने लोगों में समान रूप से बंटवारा कर सकते हैं, और पार्ट 8 और अंकों का आनंद। तो ये सर डिसाइड कर सकते हैं कि वो आपको रिवीजन लेसन्स में से क्या देंगे। ठीक है, तो ये आपका थर्ड सेमेस्टिव का सिलेबस है। ठीक है, अगर हम सीधे सीधे बात करें तो इसमें आपका चैप्टर 15 से लेकर चैप्टर 20 तक आ रहा है सबसे पहले, और इसके बाद रिवीजन लेसन में चैप्टर 4 और 8। ठीक, इतना आपका थर्ड सेमेस्टिव में तक आएगा। तो आपने फर्स्ट देखा, फर्स्ट सेमेस्टिव में ये आ रहा है, सेकेंड सेमेस्टिव में आपने देखा, और उसके बाद थर्ड सेमेस्टिव में आ रहा है। ठीक है, आशा है कि यह वीडियो आपके लिए अच्छी होगी, उपयोगी होगी, इससे आप ज़रूर लाभ उठाएंगे और अपनी तैयारी को आगे रखने में सक्षम होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।